अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बनाना ब्रेड, या फिर आप बनाना केक भी आप इसे कह सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना, तो आप कहेंगे मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और ऐसा लग रहा था ये मैंने किसी वेल नोन बेकरी से बाय किया है। तो इसके लिए हम कुछ इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो जी, ये इसके मेन इंग्रीडियंट्स हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें चॉकलेट का यूज़ किया है, और अगर आप चाहें तो आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके लिए सबसे पहले एक पैन को रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लूफ पैन लिया है, और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल को अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड करूंगी। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा पैन ग्रीस हो चुका है, और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून फ्लोर को डस्ट कर दूंगी। और अब इसके चारों साइड्स को हम इस तरह से डैप करके, और जो एक्स्ट्रा फ्लोर होगा हम वो निकाल लेंगे। और जितना अच्छा आप इसे रेडी करेंगे, उतनी ही ईजीली आपकी ब्रेड बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फ्लोर को बाहर निकाल लिया है, और अब हमारा पैन बिल्कुल रेडी है। और अब मैंने एक बॉल में 3 बनानाज़ ले लिए हैं। मेरे पास रिपिन बनानाज़ नहीं थे, अदरवाइज़ जो थोड़े से पके हुए बनानाज़ होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। तो ये देखिए, बनानाज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये बिल्कुल मुशी मुशी से हो चुके हैं। और अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी ऐड करूंगी। ये मैंने घर में ही पीसी है। और जब भी आप कोई केक बेक किया करें, तो आप मेजरिंग कप ही यूज़ किया करें, इससे बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमारी शुगर और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 एग ऐड कर दूँगी। और इस केक की ख़ास बात यह है कि इसमें हमें बिल्कुल भी बीटर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें हैंड से ही मिक्स करना है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड किया है, आप 1 टीस्पून तक कर सकते हैं। और जब आप इस केक का बैटर रेडी करें, तो आप पहले से ही ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें, क्योंकि इसकी मिक्सिंग में जस्ट 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। और अब मैं इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करूंगी। तो ये देखिए, मैदे को हमें अच्छी तरह से विस्क करके यूज़ करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। मींस, ऐसा नहीं करिएगा कि आप एक दफ़ा क्लॉकवाइज घुमाएं और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही डायरेक्शन में हम इसे सेम घुमाते रहेंगे। और अब क्योंकि ये बनाना ब्रेड का बैटर है, इसलिए केक से थोड़ा सा हार्ड की तरफ रहेगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। सो डोंट वरी, और आप इसे मिक्स करते रहें, और इसमें मेक श्योर कोई भी लम्स ना रहे। और 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करने में लगेंगे, और ओवर मिक्सिंग नहीं करना है बिल्कुल भी।
तो ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें चॉकलेट ऐड करूँगी, तो मैं थोड़ी सी इसमें टॉपिंग के लिए बचा लूँगी और बाकी रिमेनिंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अच्छी तरह से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। और ये देखिए इस पॉइंट पे कितना देखने में यमी लग रहा है, लेकिन ये बेक होने के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट से। और अगर आपके पास ओवन अवेलेबल ना हो तो आप किसी कढ़ाई या प्रेशर कुकर को 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट करके उसके नीचे कोई जाली रख के उसमें भी ये बेक कर सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट में ही आपका मीडियम फ्लेम पे बेक हो जाएगा। तो बैटर को मैंने मोल्ड में डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे स्प्रेड करूँगी। और अब इसे हम थोड़ा सा डैप करेंगे, थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से काउंटर पे मारेंगे ताकि इवनली हमारा बैटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब जो रिमेनिंग चॉकलेट मैंने बचा के रखी थी उससे मैं इसे टॉप करूँगी। और ये 30 से 35 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से बेक हो गया था। एंड योर चॉकलेट बनाना ब्रेड इज़ डन। एंड बिलीव मी, ये इट्स मस्ट ट्राई रेसिपी। और मैंने भी इसे जस्ट फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गया था। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।